नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों के पीएफ पर सरकार ने चलाई कैंची। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को दोहरा झटका, डीए के बाद अब पीएफ पर सरकार ने चलाई कैंची। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है तो उसकी बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सरकार द्वारा बड़ा ऐलान किया गया था, जिसके तहत जुलाई 2021 तक जो है वो डीए में बढ़ोतरी को स्थगिति दी गई है। डीए में बढ़ोतरी जुलाई 2021 के बाद ही होगी, ऐसा अपडेट जो है सरकार द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और मौजूदा 17% के हिसाब से ही डीए का भुगतान किया जाएगा, ऐसा भी अपडेट सरकार द्वारा दिया जा चुका है। इसी के बीच एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो की है पीएफ पर सरकार ने चलाई कैंची। लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक मंदी का असर कर्मचारियों के पीएफ फंड पर भी पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जीपीएफ और अन्य फंडों पर 7.1% का ब्याज मिलेगा। इससे पहले यह ब्याज दर 7.9% मिलता था। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सरकार द्वारा 0.8% की कटौती की गई है। जीपीएफ खाता धारक अपने अकाउंट में सैलरी का 15% रुपए डाल सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जीपीएफ में जो सरकारी कर्मचारी है तो वो अपने सैलरी का 15% यहाँ पर डाल सकते हैं। जीपीएफ क्या होता है तो चलिए अभी जान लेते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या होता है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों का फंड होता है जिसे सरकारी कर्मचारी ही खुलवा सकते हैं। कर्मचारी इसमें अपने पैसे रखते हैं और सरकार रिटायरमेंट के बाद यह पैसा वापस कर्मचारी को देती है। आम कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, सरकार ने दी थी ढील। तो जी दोस्तों, सरकार की तरफ से कुछ ढील भी यहाँ पर दी गई थी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए हाल ही में ईपीएफ के नियमों में ढील दी थी। ढील के तहत कर्मचारी 3 महीने की सैलरी इतनी ही रकम पीएफ फंड से उठा सकते हैं। तो चलिए अभी पिछले 6 सालों का जो ब्याज दर था उसके बारे में भी अभी हम एक जानकारी ले लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों की तुलना में यह ब्याज दर का न्यूनतम स्तर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिछले 6 सालों में जो ब्याज दर घोषित किया गया था तो सबसे निचले स्तर पर यह 7.1% है। इससे पहले साल 2016-17 में 8.65% और 2017-18 में 8.55% ब्याज दिया था। वित्त वर्ष 2015-16 में इस पर 8.8% का ऊंचा ब्याज दर दिया गया था। इससे पहले 2013-14 और 14-15 में ईपीएफ पर 8.75% का ब्याज दिया गया था। साल 2012-13 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% दिया गया था। तो ये दोस्तों, अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो इससे ज्यादा ही ब्याज दर दिया गया था। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, देश में इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से इस आर्थिक मंदी का असर अब एम्प्लॉइज के जीपीएफ पर भी पड़ा है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर के संदर्भ में निकल कर आया था जो कि इस साल के लिए जो पहली तिमाही है तो उसमें जो वो आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। तो जी दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर के संदर्भ में था तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।